आपका हमारे YouTube चैनल दुर्वा इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल्स में। देखिए बच्चों, आज एक हम नए न्यूज़ के साथ में आपके पास में आए हैं। ये न्यूज़ बहुत अच्छी है, जो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी पढ़ाई कब से शुरू होगी और इस पे क्या एक्शन ले रही है सरकार और हमारा बोर्ड। तो ये दोनों लोगों के लिए है, मतलब जो बीटेक में है, जो पॉलिटेक्निक में है, ये सभी बच्चों के लिए है। ये लखनऊ पत्रांक संख्या जो है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, इतना है। दिनांक 15/7/2020 को ये मीटिंग हुई थी, उसके बाद में रिलीज हुआ है। इसमें क्या बताया गया है कि ये पूरा जो प्रोसेस है, ये किस बेसिस पे है, मतलब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीडियो में, इसमें क्या बताएंगे आपको। तकनीकी विश्वविद्यालय में प्राविधिक शिक्षा परिषद की शैक्षणिक सत्र 19-20 की परीक्षाओं के संबंध में, ठीक है। मतलब जो परीक्षाएं होनी हैं, कब से होंगी, कैसे होंगी, क्लासेस कब से चलेंगी, क्या प्रोसेस है, ये पूरी चीज़ें इसमें आपको बताई गई हैं, ठीक है। तो ये प्रेषित किया गया है सुनील कुमार चौधरी की तरफ से, ये सचिव हैं, और इसमें आप पढ़ लीजिएगा। उपयुक्त विषय पत्रांक संख्या इतना इतना, ये थोड़ा भूमिका है तो इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारे काम की चीज़ ये बनती है, यहाँ से नंबर एक से अंतिम वर्ष के छात्रों के अंतिम सेमेस्टर का मूल्यांकन संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान आयोग नई दिल्ली के दिनांक जुलाई 6, 2020 को जारी दिशा निर्देशों में निर्धारित की गई प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी तकनीकी विश्वविद्यालयों के द्वारा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए एंड सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन का दोनों मोड में कराई जाएगी। यह प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 के पूर्व संपन्न करा ली जाएगी। ये न्यूज़ पहले भी मैं डाल चुका हूँ, तो ये वही उसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन आगे क्या है इसमें, कैरी ओवर जो हैं, जिनका बैक पेपर है, ये परीक्षाओं, इसके लिए परीक्षार्थी भी मुख्य परीक्षाओं के साथ ही कराई जाएगी, ये कंफर्म हो गया आपका, ठीक। यदि अंतिम वर्ष का कोई छात्र किसी कारणवश से परीक्षा में भाग नहीं ले पाता है, तो उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों के लिए समय अनुसार विशेष परीक्षा का आयोजन करेगा और उसमें आप जाकर परीक्षा दे सकते हैं। संस्थानों को ऑनलाइन मोड के उपयोग करके अपने छात्रों के सम सेमेस्टर थ्योरी प्रोजेक्ट थ्योरी है, प्रोजेक्ट है, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल है, और आंतरिक मूल्यांकन है सेशनल, इन सभी चीज़ों को पूरा करने के लिए सभी कॉलेज को समय दिया जाएगा। ये कॉलेज के बारे में है। इसके बाद में अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रोजेक्ट थीसिस की मौखिक परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन माध्यम से कराया जाएगा। यह प्रक्रिया इन छात्रों के लिखित परीक्षाएँ शुरू होने के पूर्व ही संपर्क करा ली जाएंगी, मतलब सितंबर से पहले पहले आपका प्रोजेक्ट ऑनलाइन लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा उस पर। कोई भी छात्र जो तकनीकी कारणों से प्रोजेक्ट या किसी अंतिम मूल्यांकन में भाग लेने में सक्षम नहीं है, तो संस्थान ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय को सूचित करते हुए वाइवा के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। यदि फिर भी छात्र या वाइवा देने से वंचित रह जाता है, ऐसी अवस्था में संस्थान द्वारा ऐसे छात्रों के प्रोजेक्ट वाइवा का मूल्यांकन संस्थान खुलने के तुरंत बाद कराया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रों के परिणाम को तब तक रोक दिया जाएगा जब तक कि उनका मूल्यांकन संस्थान द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है और वाइवा के अंक प्रदान नहीं किए जाते हैं, ठीक है। एमटेक, एमफार्मा, एम आर्किटेक्चर के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए शोध प्रबंधन परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय के एकेडमिक कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं इसमें, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारे काम की चीज़ बनती है उसके लिए, उस पर हम नीचे आते हैं। यहाँ पे सेमेस्टर वर्ष, या जो लोग सेमेस्टर हैं, जो लोग जिनका एग्जामिनेशन ईयरली होता है, उन सभी के लिए द्वितीय चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर प्रणाली, दिनांक, प्रस्तावित कार्य एवं टाइम लाइन क्या है। 17/8/17 अगस्त 2020 से 5/9 मतलब 5 सितंबर 2020 के मध्य फेस टू फेस अध्यापन कार्य कराकर समस्त विषयों की शेष पाठ्यचर्या को पूर्ण कराया जाएगा। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, मतलब आपको 17 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में पढ़ाया जाएगा जो बचा है वो चीज़ें, अंतिम सेमेस्टर जो सेकेंड ईयर वाले हैं और फर्स्ट ईयर वाले हैं, ठीक है। अंतिम सेमेस्टर अंतिम वर्ष लिखित दिनांक 7/9 से 12/9 के मध्य संपादित की जाएगी आपकी परीक्षा, मतलब सितंबर में 100% श्योर है कि फर्स्ट वीक से ही आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे,
नेक्स्ट है थ्योरी परीक्षा कब से कब, 1/7 से 31/7 के मध्य प्रोजेक्ट कार्य ऑनलाइन से पूर्ण कराते हुए 1/8, 1 अगस्त 2020 से 5 अगस्त के मध्य आंतरिक मूल्यांकन तथा दिनांक 6/8 से 14/8/2020 के मध्य बाह्य मूल्यांकन ऑनलाइन प्रणाली से एक पूरा कर लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आती है बात द्वितीय चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर प्रणाली, प्रथम वर्ष एवं अंतिम वर्ष प्रणाली, इन सभी के लिए जो प्रयोगात्मक परीक्षाएँ हैं वो सितंबर में 1 से 5 सितंबर के बीच करवाया जाएगा। द्वितीय वर्ष और चतुर्थ सेमेस्टर इनके लिए 17 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर के मध्य शेष सेशनल परीक्षा तथा असाइनमेंट पूर्ण कराकर आंतरिक मूल्यांकन किया जाएगा तथा प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर में घोषित परीक्षा के फल 50% अंकों को कैरी ओवर कर समस्त विषयों के अंक प्रदान करते हुए छात्रों को अगले शैक्षणिक सेमेस्टर वर्ष में प्रोन्नत किया जाएगा। ये यहाँ पे लिख दिया गया है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चे जो हैं वो प्रमोट होंगे, बीटेक में है तो वो थर्ड ईयर वाले भी प्रमोट होंगे, केवल फाइनल ईयर वाले जो हैं उनका एग्जाम होगा। द्वितीय चतुर्थ तथा अंतिम सेमेस्टर इनका मूल्यांकन परीक्षा फल की घोषणा दिनांक 30 नवंबर मतलब सितंबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी आ जाएगा जो लोग एग्जाम देंगे फाइनल ईयर वाले बच्चों का। ठीक है, अब आती है बात जिस पे मैं पहले वाला बोला था कि आपका आपकी पढ़ाई कब से शुरू होगी। शैक्षणिक वर्ष 2021 का अध्यापन कार्य 1 सितंबर 2020 से प्रारंभ करवाया जाएगा प्रथम सेमेस्टर। ठीक है, या वार्षिक प्रणाली है या सेमेस्टर है, जिस जो भी है 1 सितंबर से आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तृतीय तथा पंचम सेमेस्टर अंतिम वर्ष, शैक्षणिक वर्ष 2021 का अध्यापन कार्य 15 सितंबर से करवाया जाएगा। ठीक है, और भी कई चीज़ें हैं तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब आगे बात आती है कोविड-19 वैश्विक महामारी के संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा, आवश्यक होगा कृपया उक्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।